रायबरेली की बछावा से बीजेपी विधायक राम नरेश रावत के गुर्गो ने टोल प्लाजा के कर्मचारियों के साथ मारपीट की। विधायक के गुर्गे टोल प्लाजा पर फ्री में गाड़ियों को निकलवाने का दबाव बना रहे थे। गाड़ियों को निशुल्क ना निकलवाने पर विधायक के सामने उसके गुर्गो ने टोल प्लाजा के कर्मचारियों को जमकर पीटा। मारपीट की पूरी वारदात टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें ऑनलाइन टीवी पर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से टोल प्लाजा पर मारपीट की गई है। बीजेपी विधायक के गुर्गों ने यहां जमकर मारपीट की है टोल प्लाजा कर्मचारियों के साथ में। आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं गाड़ियों को फ्री न निकलवाने पर यह मारपीट का मामला सामने आया। तो टोल प्लाजा पर मारपीट की यह खबर सामने आ चुकी है। उनके समर्थक भी जो थे वो फिर उतावले हो गए और फिर उन्होंने हमारे असिस्टेंट मैनेजर वरुण सिंह चौहान पे के साथ मारपीट करना चालू कर दिया। उसके बाद फिर हमारे साथ किया, फिर उसके बाद हमारे एक और असिस्टेंट मैनेजर हैं अंजय शुक्ला, उनके साथ भी मारपीट किया और उसके बाद हमारे सिक्योरिटी गार्ड जो हैं वो बीच बचाव करने आए, उनके साथ भी मारपीट किया। तो ये सब घटनाएं हुई। इसके बाद हमने 100 नंबर पे डायल किया, प्लस निगोहा थाने को भी इन्फॉर्म किया, हमारा जो निगोहा थाना पड़ता है उसको। फिर अभी हम उसके लिए उनके खिलाफ FIR करने के लिए देने जा रहे हैं। तो बीजेपी विधायक के गुर्गों ने जमकर मारपीट की है। रोहित मिश्रा सहयोगी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। रोहित, क्या कुछ जानकारी इस मामले को लेकर? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, लगातार इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं। कल जब देखा जाए तो कल सीओ सिटी रायबरेली का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें रिक्शा चालक को मार रहे थे, वहीं आज एक वीडियो बछरावा से बीजेपी विधायक राम नरेश रावत का वायरल हुआ जो टोल प्लाजा में जो है वो टोल कर्मी को उनके समर्थक जो है पीट रहे हैं और विधायक स्वयं मौजूद रहते हैं उनके सामने, जो टोल कर्मी के मैनेजर को पीटा जाता है, उनके कर्मचारियों को पीटा जाता है और वीडियो बाकायदा सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो जाता है, जिसके बाद जो है जो टोल मैनेजर है उन्होंने इसकी लिखित तौर पर इसकी शिकायत की है। तो किस हिसाब से बीजेपी विधायक सत्ता का जो अपने सत्ता में है उसका किस तरह से गुमान दिखा रहे हैं, उनके समर्थक किस तरह से उनके उनकी मौजूदगी में पीट रहे हैं, ये बड़ा सवाल जरूर उठता है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर आप प्रशासन के तौर पर क्या समझा जाए कि बीजेपी विधायक के गुर्गे हैं तो कार्रवाई क्या की जाएगी या नहीं? जी बिल्कुल, क्योंकि हर बार अगर देखा जाए इसके पहले भी बीजेपी विधायक राम नरेश रावत इसके पहले भी कई मामलों में सुर्खियों में रह चुके हैं और ये उनका कोई नया मामला नहीं, सुर्खियों में बने रहने की उनकी आदत है। जिस हिसाब से एक आज फिर ये वीडियो वायरल हुआ जिसमें देखा जाए कि उन्होंने किस तरह से टोल कर्मियों को पीटा है, उनके समर्थकों ने पीटा है और वो खड़े थे बाकायदा उनके सामने पीट रहे थे और मना भी नहीं कर रहे थे, बाकायदा वीडियो से साफ साफ देखने लग रहा था वो, और अपने समर्थकों को उत्साह रहे थे कि वो टोल कर्मियों को पीटा जाए। तो कहीं ना कहीं विधायक का जो मनोबल है, सत्ता उनकी है तो उनको लगता सत्ता हमारी तो हम अपने हिसाब से चलाएंगे। जिस हिसाब से योगी सरकार भी मना करती है कि आप लोग अपने कायदे पर रहें, प्रपन्न दिखा, लेकिन उसके बाद भी इस तरह। चलिए बिल्कुल रोहित, अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।